The center point of a lens the center point the center point of a lens is known as its optical center is known as its optical center. Second point likhenge, the principal axis of a lens is a line The principal axis of a lens is a line passing through the optical center of the lens is a line passing through the optical center. The principal axis of a lens is a line passing through the optical center of the lens and perpendicular to both the faces of the lens and perpendicular to both the faces of the lens दोनों faces पर जो perpendicular होता है उसको principal axis बोल देते हैं. कैसे? आप ये देखें कि ये तो मेरे पास है convex lens, ये है convex lens, और इधर मैं बना देता हूं एक कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये दोनों लेंसेज हो गए. और अब इनकी ना एक वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं ऐसे. वर्टिकल एक्सिस वो होती है जो लेंस को वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ऐसे यहां पर भी एक वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे. और हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस लेंस के सेंटर से पास हो रही है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. फिर अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो इसमें भी वही चीज है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. और ये जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. जैसे मिरर के केस में पोल होता था, ये सेंट्रल पॉइंट पोल होता था, यहां पर दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर और ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑप्टिकल सेंटर को, यहां पर हम सी बोलेंगे. ऑप्टिकल सेंटर को हम सी बोलेंगे. यहां पर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर के लिए है. ठीक है, ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर को यहां पर सी बोलेंगे. एंड दिस वाज द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. एंड दिस इज द केस ऑफ कॉनकेव लेंस. ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ. द सेंटर ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर. कोई भी लेंस हो, चाहे दो ही तरीके के लेंस है. देखिए हमारे पास लेंसेज तो बहुत तरीके के होते हैं, 6-7 टाइप के होते हैं. वो 12th क्लास में पढ़ोगे. 10th क्लास में दो ही तरीके के लेंस पढ़ेंगे, एक होगा आपका कॉन्वेक्स और एक होगा कॉनकेव. ठीक है,
अब ये जो दोनों तरीके के लेंस होते हैं, तो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उस लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, जो कि इस लेंस पर परपेंडिकुलर है, जो कि इस लेंस पर परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन को हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मिरर में देखा था, बस यहाँ पर ये देखना है कि ऑप्टिकल सेंटर को हम सी बोलते हैं, चाहे वो कॉनकेव लेंस का हो चाहे फिर वो कॉन्वेक्स लेंस का हो, ठीक है। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, बताइए, यस सर, ठीक यस है। सर। चलिए जी, सही है। उसके बाद आप नोट करेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर हम ये कहेंगे द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इज अ पॉइंट ऑन इट्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। अभी तो मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, तो कॉन्वेक्स लेंस बना लिया हमने। कॉन्वेक्स लेंस को सेंटर में से ऐसे कर दीजिए, आप वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर दो और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, तो इसको हम बोलते हैं सी, कैपिटल सी। और हम बात करेंगे यहां पर ना फोकस की बात करेंगे। तो फोकस जो है, फोकस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा था कि एक एक स्फेरिकल बॉल है, ऐसे इस स्फेरिकल बॉल के एक कोने में से मैं काट कर एक कांच का टुकड़ा निकाल लेता हूं, तो वो कर्व्ड पीस होगा, वो कर्व्ड पीस होगा।
कैसे, मैंने यहां से काट कर निकाल दिया, तो ये वाला जो टुकड़ा है, इस वाले टुकड़े को मैंने लाकर यहां रख दिया। ऐसे ही मैंने एक जो है वो टुकड़ा इस तरफ से काट लिया, तो इस टुकड़े को लाकर मैंने इसके सामने रख दिया ऐसे। ठीक है, यहां पर ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सेस। अब आप ये सोचो कि जिस बॉल का ये वाला कर्व टुकड़ा और ये वाला कर्व टुकड़ा है, जिस बॉल में से काटकर इसको निकाला गया है, उस बॉल का कोई सेंटर तो होगा, उसका कोई सेंटर तो होगा, क्यों सेंटर होगा, सेंटर से लेकर और यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका जो हाफ होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ को ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब अगर इधर वाला कर्व्ड पाथ है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं ऐसे करके, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, एक स्फीयर बना दूं, तो यहां पर एक फोकस होगा, है ना, और ऐसे ही अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं ऐसे, तो यहां पर एक फोकस होगा। ठीक है, तो फोकस यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता था, मिरर में क्या होता था कि एक साइड को हम पॉलिश कर देते थे, तो जो साइड हमने पॉलिश कर दी उस तरफ तो आराम से बैठो, ठीक है, जो साइड हमने पॉलिश कर दी उस तरफ तो कोई किसी भी तरीके की लाइट रे ट्रेवल ही नहीं करेगी, वो तो रिफ्लेक्शन होता था उस केस में। यहां पर क्या है, यहां तो लाइट रे पास कर जाएगी ना आर पार। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही लेंसेज के केस में हमारे जो फोकस है वो दो होंगे, एक एफ इधर और एक एफ इधर। ठीक है, अब दोनों को एफ एफ नाम दे दें ये भी ठीक नहीं है, तो एक को बोल देंगे एफ और एक को बोल देंगे एफ डैश, एफ और एफ डैश, वो आपकी मर्जी, F1 F2 कर लो। ठीक, तो एक को बोल देंगे एफ और एक को बोल देंगे एफ डैश। ठीक है, नहीं, गलत ध्यान है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो ये है, तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि यहाँ पर दोनों ही जो सर्फेसिस हैं वो अनपॉलिश्ड है, दोनों ही तरफ कांच है, तो लाइट रेज जो है वो आर पार निकल जाएंगी, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर फोकस जो है वो दो होंगे। तो एक फोकस तो यहाँ हो गया एफ और एक फोकस यहाँ हो गया एफ। अब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्वेक्स लेंस पर अगर लाइट रेज पैरेलल आ जाए, प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज हो और वो इस लेंस से टकराएं, तो टकराने के बाद वो कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज होने का मतलब क्या है, एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, और जिस पॉइंट पर इकट्ठी होती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ दैट लेंस। ठीक है, ऐसा होता है कि मैंने यहां से कुछ रेज ऑफ लाइट पैरेलल ले ली, तो एक रे ऑफ लाइट तो ये हो गई, दूसरी रे ऑफ लाइट ये हो गई, एक रे ऑफ लाइट, दूसरी रे ऑफ लाइट, फिर तीसरी रे ऑफ लाइट ये हो गई, चौथी रे ऑफ लाइट ये हो गई। इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये सारी रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो जो एक पॉइंट पर आकर रेज ऑफ लाइट का इकट्ठा हो जाना है उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज हो जाना, कन्वर्ज। ठीक है, अगर किसी एक पॉइंट से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, उसको बोलते हैं डाइवर्ज हो जाना। तो कॉन्वेक्स लेंस में इधर आई एक रे ऑफ लाइट, दूसरी रे ऑफ लाइट भी इधर आ गई, क्या तीसरी रे ऑफ लाइट भी इधर आ गई और चौथी रे ऑफ लाइट भी इधर आ गई। ठीक, तो ये सारी रेज ऑफ लाइट एक जगह आ गई, तो जिस पॉइंट पर आकर ये इकट्ठी हुई उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस लेंस, प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली फोकस बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एफ हो गया, तो ये वाला जो फोकस है, इस वाले फोकस को फिर हम बोलेंगे एफ डैश। ठीक है, एफ और एफ डैश, बताइए समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक यस सर, यस सर, है, ठीक है, क्या कह रहे हो, उसके लिए रूल्स हैं, उसके लिए रूल्स हैं, अगर लाइन रे ऑफ लाइट टेढ़ी आ रही है तो उसके लिए रूल्स हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ये पैरेलल के लिए हमने बताया। अब आप ये कहेंगे लेंस हैज टू फोकाई, FOCI, फोकस के प्लूरल को फोकाई बोल देते हैं,
a lens has two foci, ब्रैकेट में लिख दीजिए एफ एंड एफ डैश, एफ एंड एफ डैश. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें आप लिखिए द टू फोकाई ऑफ अ लेंस आर एट इक्वल डिस्टेंसेस of a lens are at the two foci of a lens are at equal distances from the optical center from the two foci of a lens are at equal distances from the ऑप्टिकल सेंटर वन ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर कॉमा वन ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस. ठीक है, तो दो इसमें फोकस होते हैं जिसको हम प्लूरल में फोकाई बोल देते हैं. फिर ये कहेंगे द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस The focal length of a lens is the distance between optical center the focal length of a lens is the distance between optical center and principal focus of the lens and principal focus of the lens. उसके बाद नोट करें अ कॉन्वेक्स लेंस A convex lens is also known as a converging lens. A convex lens is also known as a converging lens. A convex lens is also known as a converging lens. Because it converges, brings to a point. Bracket mein hai, brings to a point. Brings to a point. A parallel beam of light rays passing through it. Parallel beam of light rays passing through it. उसके बाद नेक्स्ट है principal focus
एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। जैसे कि अच्छा इसको कन्वर्जिंग लेंस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाइट रेज को एक जगह लाकर इकट्ठा कर देता है। तो एक जगह लाकर जब चीज कोई इकट्ठी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो कन्वर्ज हो गई। ठीक है, जो फैली हुई चीज थी वो आकर एक जगह इकट्ठी हो गई तो हम बोलेंगे कि वो सारी चीजें कन्वर्ज हो गई। तो यहाँ सारी लाइट रेज है ये एक जगह इकट्ठी हो गई तो हम बोलेंगे कन्वर्ज कर दिया इसने, तो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस अ पैरेलल A parallel beam of light rays diverges a parallel beam of light rays जैसे वहां पर था डाइवर्जिंग में और कन्वर्जिंग में अंतर, बिल्कुल वैसा ही यहां पर देखना। ये एक कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस का सेंट्रल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस जो है ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बीच वाला पॉइंट है दिस इज कॉल्ड कैपिटल सी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। अब उसी तरीके से जैसे मैंने वहां पर बोला था कि वहां पर भी दो फोकस होते हैं तो यहां पर भी दो फोकस होंगे। सोचो कि ये जो कर्व है अगर मैं इस कर्व को कंप्लीट करूं तो यहां पर भी एक सेंटर मिलेगा और सेंटर का जो हाफ होता है उसी को तो फोकस बोलते हैं। ऐसे ही इस तरफ जो ये वाला कर्व है इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो यहां पर भी एक स्फीयर बन जाएगा, उसका भी एक सेंटर होगा और सेंटर के हाफ को बोलते हैं फोकस। तो यहां पर हम ये क्या करेंगे कि जैसे वहां पर रेज ऑफ लाइट पैरेलल थी ऐसे यहां पर रेज ऑफ लाइट आप पैरेलल बनाओ। ये फोकस है इस तरफ और एक इस तरफ फोकस है। अब कौन सा एफ और कौन सा एफ डैश मुझे नहीं पता। जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको एफ बोल देते हैं और जो वैसा फोकस होता है जो दूसरा वाला फोकस है उसको हम एफ डैश बोल देते हैं। अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो मैंने क्या करा कि पहले एक रे ऑफ लाइट ऐसे डाली इस पर पैरेलल, ये इस पर टकराई, टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे। ठीक है, डाइवर्ज कुछ इस तरह से होगी कि अगर मैं इसको पीछे की तरफ ऐसे खींच लूं तो ये यहां पर मिलेगी, है ना। अच्छा, एक और रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी पैरेलल है तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगी। और ये डाइवर्ज कुछ ऐसे हुई कि अगर इसको पीछे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये भी इस पॉइंट पर फोकस पर आकर मिलेगी। फिर नीचे की तरफ एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये
ठीक है। अच्छा याद रखना कि डाइवर्ज होगी कहाँ से, ये लेंस के सेंटर में पहुंचकर, इस वर्टिकल लाइन से, ठीक है। तो यहां से आके फैलेगी ऐसे, तो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे, तो ये भी फोकस पर आकर मिलेगी। एक रे ऑफ लाइट और बना दी ऐसे ही हमने पैरेलल, तो ये भी कुछ इस तरह से फैलेगी कि ऐसा लगता है कि इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट फोकस। तो इस केस में हाँ, जो ये वाला है ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा एफ डैश, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो डाइवर्ज हो रही है वो इस वाले फोकस से हो रही है। तो जिस फोकस पर आकर कन्वर्ज होगी वो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस, जिस फोकस से डाइवर्ज होगी वो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि क्योंकि फोकस इस तरफ है। और कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस के केस में हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी क्योंकि ये इस तरफ है, ठीक है। तो इस इधर जो है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस एफ के बराबर में ब्रैकेट में लिख देना रियल फोकस, इसको लिख देना, एक मिनट, ये है आपका, हाँ इसको लिख देना रियल फोकस। और ये वाला जो फोकस है इसको लिख देना वर्चुअल फोकस, हाँ। तो अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हमने मिरर के केस में ये कहा था कि जो भी इमेज राइट साइड में बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, रियल तो नहीं होती, वो वर्चुअल इमेज होती है। यहां पर क्या होगा, जो राइट साइड में बनेगी वो रियल इमेज होगी, इसीलिए ये वाला फोकस रियल फोकस है, ठीक है। यहां पर जो रियल इमेजेस हैं वो राइट साइड में बनेंगी और वर्चुअल इमेजेस लेफ्ट साइड में बनेंगी, ठीक है। तो लेंस के केस में ये चीज उल्टी होती है कि मिरर के केस में वर्चुअल इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है और रियल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है। यहाँ लेंस के केस में वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगी और रियल इमेज हमेशा राइट साइड में बनेगी, ये चीज अंतर है। बाकी वर्चुअल इमेज यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, और रियल इमेज यहाँ पर भी ऐसा होगा कि उल्टी होगी, रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, ठीक है बेटा। सबको क्लियर है इतना, ठीक यस सर। है। अब इसमें आप नोट करें, अ कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज, ये नीचे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये वर्चुअल फोकस लिखा है मैंने यहाँ, वर्चुअल फोकस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, अ कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस, अ कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। बिकॉज इट डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, इट डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉपिक, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंसेस। फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। बस एक मिनट वेट करिए, मैं पानी पी कर आ रहा हूं, फिर करवाता हूं उसको आगे।
ray of light which is parallel, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens, which is parallel to the principal axis of a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens, comma, passes through its focus after refraction through the lens. Passes through its focus after refraction. Passes through its focus after refraction through the lens. After refraction through the lens. ये कैसे? एक इसका क्योंकि मैं कॉन्वेक्स लेंस का देख रहा हूं तो इसका एक डायग्राम बनाए ऐसे. ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो सीधी सी बात है वो लेंस से टकराने के बाद उसके फोकस से होकर गुजर जाएगी ऐसे. ये इसके फोकस से होकर गुजर जाएगी इस तरह से. तो अ रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद उसके फोकस से गुजर जाएगी. पहला रूल तो ये है. रूल नंबर टू, रूल नंबर टू नोट करें. अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अ रे ऑफ लाइट passing through the optical center, a ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight after refraction through the lens. Goes straight after refraction through the lens. Straight after refraction through the lens. ठीक है, एक मिनट वेट करिए बेटा. दोबारा बोलो क्या? बैक ऑफ बैक बैक ऑफ
हाँ वही चाहिए मेरे को, वही चाहिए। अच्छा मेरे को लिंक एक बार शेयर कर देना, मैं देखूंगा। चलिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रेक्शन थ्रू द लेंस। मतलब अगर मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है, तो किसी तरीके का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये ना स्ट्रेट पास हो जाएगी, ये स्ट्रेट निकल जाएगी इस तरह से, ये स्ट्रेट निकल जाएगी। ये है हमारा रूल टू। रूल नंबर थ्री देखिएगा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस रे ऑफ लाइट पासिंग रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स पैरेलल, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स becomes parallel to its principal axis becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens after refraction through the after refraction through the lens after refraction through the lens। अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस के किस तरीके से मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट उसके फोकस से होकर गुजरती है तो वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसे? कोई भी रे ऑफ लाइट जो आती है ना, रे ऑफ लाइट जो आती है मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, उसको मैं हमेशा ये कहूंगा कि वो लेफ्ट साइड से ही आ रही है, राइट साइड से कोई नहीं आएगी। हम ये मानकर चलेंगे जब भी, जैसे कि हमने मिरर में देखा था कि कोई भी जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट में ही रखा रहता है। लेफ्ट में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि रेज ऑफ लाइट लेफ्ट से ही आएंगी और राइट की तरफ जाएंगी। तो आप ये देखो, ऐसे यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये हो गया हमारा एफ डैश और ये हो गया एफ, ठीक है। तो इसका फोकस जो है राइट साइड में ही होता है, उसको एफ बोलते हैं और इधर वाले को एफ डैश बोल देते हैं। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट एफ डैश से होकर गुजरती है और ऐसे इसको स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें तीन ही रूल्स हैं। पहला रूल ये कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, लेंस से टकराने के बाद सॉरी, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा का सीधा ऑप्टिकल सेंटर से टकराती है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधी पास ऑन कर जाएगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है तो वो जैसे ही लेंस से टकराएगी, लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बस ये है, बताइए जी, सभी को समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। गुड इवनिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। गुड आफ्टरनून।
formation of different types of images by a convex lens. Formation of different types of images by a convex lens. दोबारा बोलो, इसमें छह केसेस हैं, जैसे उसमें देखे थे ना, पहले वाले में छह थे, फिर दूसरे वाले में दो थे, ठीक है, बस क्या अभी ऐसे ही है, और याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वहां पर जो इमेज लेफ्ट में बनती थी वो यहाँ राइट में बनेगी, वहां पर जो इमेज राइट में बनती थी वो यहाँ लेफ्ट में बनेगी, बस इतना है। और केसेस हम उसी तरीके से देखेंगे इसमें कि जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको अभी नोट मत करना, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर हो गया फोकस एफ डैश, ठीक है। फोकस का जो डबल होता है, क्योंकि मैं सी को ऑप्टिकल सेंटर बोल रहा हूँ, तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए यहाँ पर सी यूज नहीं करूंगा, एफ डैश का डबल हो जाएगा टू एफ डैश का डबल टू एफ डैश, मैं उसको ऑप्टिकल सेंटर तो मैंने सी ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मैं यहाँ पर सी ना लिखकर ट्वाइस ऑफ एफ लिख दूंगा, भाई फोकस का डबल ही तो होता है वो, ऐसी राइट साइड वाला जो फोकस है वो कहलाएगा एफ और टू एफ। तो क्राइटेरिया वही लेकर चलेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट सी और एफ डैश के बीच में, एक बार ऑब्जेक्ट एफ डैश पर, एक बार एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में तीन केस, एक बार टू एफ डैश पर चार केस, एक बार बियॉन्ड टू एफ डैश पांच केस, और एक बार इंफिनिटी पर तो छह केस, ठीक है। ये केसेस कल करते हैं डिस्कस, आज इतना ही करेंगे।